सूर्यवंशी का फर्स्ट लुक हुआ आउट। इस दिन रिलीज हो गई अक्षय कुमार की फिल्म। अक्षय कुमार स्टार फिल्म सूर्यवंशी का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। फिल्म को रिलीज डेट भी मिल चुकी है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म 2020 में ईद के मौके पर रिलीज हो गई। अक्षय कुमार ने खुद इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का फर्स्ट लुक भी शेयर किया है। फिल्म में अक्षय कुमार एटीएस चीफ की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय के किरदार का नाम होगा वीर सूर्यवंशी। बता दें कि फिल्म सिम्बा के दौरान ही इस फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। सिम्बा में भी अक्षय कुमार की एक झलक दिखाई दी थी। सिम्बा को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला था और फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। ये 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अगर बात करें अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की, तो वो इस साल मार्च में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म केसरी से दर्शकों के बीच लौट रहे हैं। एक बार फिर से अक्षय के देशभक्ति वाले एक्शन और इमोशन दर्शकों पर छाने के लिए तैयार है। ये फिल्म रियल और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। बता दें कि 122 साल पहले 21 सिखों ने 10,000 अफगानी हमलावरों से लड़ाई लड़ी थी। केसरी उन्हीं की कहानी है, जो 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि ये फिल्म जिस सारागढ़ी की लड़ाई पर आधारित है, वो भारतीय सैन्य इतिहास में काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक्टर के आने वाले प्रोजेक्ट में गुड न्यूज, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 भी शामिल है। इन दिनों एक्टर फिल्म गुड न्यूज की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में करीना कपूर खान अक्षय कुमार के ऑपोजिट रोल में है। वैसे जिस स्पीड में अक्षय कुमार काम कर रहे हैं, उसे देख के तो यही लगता है कि अक्षय कभी नहीं थकने वाले हैं। और जहां कुछ एक्टर्स साल में बस एक ही फिल्म कर पाते हैं, वहीं अक्षय कड़ी टक्कर देने वाले हैं उन सब एक्टर्स को। यहां तक कि न्यू कमर्स को भी उनसे बच के रहने की जरूरत है, या ये कह लो कि सीखने की जरूरत है।